हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा ना, आप इंडिया हमसे ले पाओगे ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना अभी मेजॉरिटी के कारण, वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। कभी वंदे मातर पर इतराज करते हो, कभी राष्ट्रवाद पर इतराज करते हो, और भारत शब्द कोई इस नया नहीं है, पुरातत्व काल से यहां रहने वाली जो लोग हैं वो इस धरती को मां के रूप में पूजते आए, और भारत माता की जय वंदे मातरम हम सब भारतीयों के डीएनए में है, हमारे खून के रक्त के कण कण में है। आपके हटाने से, आपके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है, और ये भारत संविधान संगत है, संविधान में इसमें स्पष्ट इस बात का जिक्र है। अब तथा कथित नए मुगल, नए खिलजी, नए अंग्रेज आए जो भारत को हटाने की मंशा मन में रख के बैठे हैं। मुगलों से नहीं हटा भारत, अंग्रेजों से नहीं झुका भारत, ये अब झुकने वाला हटने वाला नहीं है, ये भारत के जन जन के कण कण में, रक्त के कण कण में है।